हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्या बनाने वाली हूँ स्पेशल। आज मैं अपने दोस्तों के लिए बनाने वाली हूँ साबुत मूंग दाल, जो कि बहुत ही हेल्दी भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो है ना दो चीजों का कॉम्बिनेशन। तो चलिए दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें दो कटोरी मूंग दाल लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मैं तो ज्यादा खाने वाली हूँ। इसको मैं सबसे पहले 5 मिनट के लिए इसमें पानी में डिप करके छोड़ दूंगी। तो 5 मिनट के बाद देख सकते हैं ये सब जो है जो ऊपर आ गया है, इसको इसमें मिक्स नहीं करना है। ये इन सबको मैं निकाल लूंगी, निकाल के इनफैक्ट मैं अपने प्लांट्स में डालूंगी इसका पानी। तो मैंने पानी निकाल लिया है और अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कुकर में मैं डाल रही हूँ मूंग। और 2 ग्लास पानी डालेंगे इसमें। और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी। और इसमें मैं 4 सीटी लगाने वाली हूँ। तो जी अब देखते हैं 4 सीटी के बाद। वाओ, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्टली ये बन चुका है, अच्छे से प्रेस भी हो रहा है। तो अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको हल्का हल्का प्रेस कर दूंगी, थोड़ा बहुत प्रेस हो जाए तो दाल और भी ज्यादा अच्छे से खाया जाता है। मेरे साथ तो इस दाल की कहानी ऐसी है कि मैं 2-3 कटोरी तो बस राइस भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ दाल दाल खा जाती हूँ। मुझे इतना पसंद है ये दाल, और वो भी अगर देसी मूंग में बना हुआ हो, क्योंकि ये जो मैंने बनाया है ये देसी मूंग में बना हुआ है। तो मैंने इसको हल्का हल्का प्रेस कर दिया है, अब थोड़ा सा इसमें थिकनेस भी आ गई है। अब इसका तड़के का प्रिपरेशन करते हैं। तड़के के लिए मैंने सबसे पहले पैन गरम किया है, इसमें मैंने थोड़ा ऑयल ज्यादा डाला है। ऑयल को गरम करने के बाद मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता, 4 ग्रीन चिली जिसको मैंने बीच से कट कर लिया है, 5 कली साबुत लहसुन, इसको 2 से 3 मिनट पहले अच्छे से फ्राई करेंगे। दो मिनट के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 1.5 प्याज, 1.5 से 2 प्याज डाल सकते हैं आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। इसको अभी 5 मिनट में अच्छे से फ्राई करूंगी। तो आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है और मुझे तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी। तो अब मैं इसमें दाल डाल रही हूँ। इसमें मैं 1/2 ग्लास पानी और डालूंगी, और मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक। सर्दियां हैं तो मैंने थोड़ा सा अदरक भी ज्यादा डाला है, टेस्टी तो लगता ही है और ये स्वाद भी बढ़ाता है। तो मैंने फ्लेम तेज कर दिया है, इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से उबाल आने दूंगी। तो आप देख सकते हैं दाल में अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पत्ता। तो जी हमारा यमी यमी ये मूंग दाल तो तैयार हो गया है। अभी तो बहुत गर्म है बट बहुत ही यमी है दोस्तों। आप भी बनाइए, खिलाइए, बताइए कैसा लगा। और मुझे तो आई एम श्योर कि आपका ये फेवरेट दाल बनने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना भी ना भूलें।